का 6:30 तक ओपन है। ऐसे वॉक है पूरा, सो ब्यूटीफुल बहुत सुंदर है यार। इसमें होता था बड़ा ओलंपिक्स हुए हैं। अच्छा ओलंपिक्स यहाँ हुए थे क्या? पानी वाले नहीं, पानी वाले जो नहीं होते राफ्टिंग वाले चैलेंजेस, हाँ वो वाले। अच्छा अच्छा ड्रॉप कर दूँ घूमने आगे से बड़ा सुंदर है। अब पास से दिखाते हैं। This came in. Now the big roundabout that you turn left to come down here, and some way you turn left on that one. You probably scuff about and turn into a little road there if you want to see that as well. That was ये बैंडेट लेक एक्चुअली ये ना, हाँ ये नहीं होएगी 2 किलोमीटर उधर और भी आ रहे हैं वो, हाँ 2 किलोमीटर के आसपास है। क्या किंग, हाँ क्या किंग, यहीं पे तो बोल रहा था दिनेश भैया शायद यहाँ आने के लिए, यहाँ पता है यहीं पर तो हुए थे 2000 में ओलंपिक गेम्स हुए थे यहाँ पर, 2010 में नहीं 2000 में। इस साइड पूरा जंगल है और ये मैन मेड लेक है। ये तो बहुत ही अच्छी है, इसके अंदर में सारे जो ओलंपिक प्लेयर्स हैं वो सब अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं यहाँ पर। देखो छोटी छोटी मछलियाँ भी हैं इसमें। नहीं इधर नहीं जा रही शायद, वो लास्ट है, देख के आते हैं वहाँ तक। लेकिन हम काफ़ी आगे आ गए, देखो बेंचेस पीछे की दिख ही नहीं रही। तो साइकिलिंग ट्रैक, लोग साइकिलिंग भी कर रहे हैं, बड़ा सही है यार। फिटनेस फ्रीक है यहाँ के लोग, तगड़े वाले। यहाँ बहुत सारे सांप हैं, वार्निंग दी हुई है यहाँ पे। सवारी अपने सामान की खुद जिम्मेदार है, को उठा के भी ना लेके जाए भाई, यहाँ काट वाट ले तो। सांप बहुत हैं, अगर गलती से मेरे को दिख जाए ना तो शायद मेरा घूमने का चाव खत्म हो जाएगा, मैं घर में बैठूंगा, उसके बाद निकलूंगा भी नहीं। डर लगता है सांप से मेरे को बहुत, चाहे वो जहरीला हो चाहे ना हो वो अलग बात है, लेकिन वो देख के डर लगता है मेरे को थोड़ा। मैं देख के चल रहा हूँ, जैसे मैंने वो बोर्ड देखा। अभी जो कुत्ता हरा है, कुत्ते का मालिक ही जिम्मेदार है, इस पानी में वो नहीं जाना चाहिए। वहाँ पे ये भी बोर्ड लिखा था, अगर कुत्ता अगर पानी में गया भारी फाइन लगाया जाएगा डॉग के ओनर के ऊपर। ये देखो आप पीछे कोच साइकिल पे आ रहा है और यहीं से उनको ट्रेन कर रहे हैं अंदर नए, ये लोग ट्रेन हो रहे हैं। देखो आप फुल एनर्जी के साथ ट्रेनिंग ले रहे हैं वो लोग, मज़ा आ रहा है देख के, अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा एरिया है। लेकिन वो लड़की जो है साइकिल पे, कम से कम उसने मेरे सामने सामने 20 राउंड लगा दिए। और साइकिल वालों का भी है कि उनको भी पैदल चलने वालों को जगह देनी है,
इतनी रिस्पेक्ट है पैदल चलने वालों की। इंडिया में ये सारी चीजें नहीं है कि पैदल चलने वालों को उतनी रिस्पेक्ट दी जाए, या गाड़ी वाले को भी नहीं मिलती है वहां, पता नहीं किसको मिलती है, समझ नहीं आता। जो पहले निकलना चाहे वो अपनी कोशिश करता है और निकल जाता है, बस इतना ही है। भीड़ बहुत है वहां पे, यहाँ बिल्कुल खाली है, इस वजह से बहुत अच्छे तरह मेंटेन्ड है सारी चीजें। हाँ, लेकिन यहाँ की गवर्नमेंट ने भी ना, अगर टैक्सेस इन्होंने लिए हैं तो शायद मुझे लगता है उनको प्रॉपर यूटिलाइज किया गया है लोगों के टैक्स को, और बहुत सारी चीजें इन्होंने सब कुछ, इनफैक्ट ए टू जेड मुझे तो पूरा ऑस्ट्रेलिया एक जैसा ही लगता है भाई, मतलब बहुत बढ़िया इन्होंने मेंटेन किया हुआ। देखो आप घास भी देख सकते हो, घास बिल्कुल हर जगह आपको पूरी मेंटेन मिलेगी, कहीं ऐसा नहीं ऊपर नीचे, हर जगह। ये तो एक मतलब एक ऐसी जगह होगी जहाँ पे लोग आते रहते होंगे, लेकिन कुछ ऐसी जगह भी है जहाँ पे लोग जाते भी नहीं है, फिर भी वो वेल मेंटेन्ड है, बढ़िया तरीके से उन्होंने रखा हुआ है। यही सारे डिफरेंसेस हैं, और तो क्या, कभी डिफरेंसेस के ऊपर भी पूरी बात करेंगे डिटेल्ड में जाके, लेकिन है बहुत डिफरेंस। इंडिया के अपने बहुत फायदे हैं, इसके 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 इसमें कोई डाउट नहीं है कि वहाँ है नहीं, लेकिन है। और यहाँ के कुछ अपने बहुत अलग फायदे हैं। ये देखो सामने से गई फिर से 21वीं बार, शायद 20 बार पहले हो गया था, पर 21 या 22 बार, 22 टाइम्स ये जा चुकी मेरे सामने। मम्मी पापा बैठे हुए हैं दोनों मस्त, और ये देखो आप यहाँ पर भी बारबेक्यू का इन्होंने लगाया हुआ। हाँ बात कर रहे हैं, चलो आ जा फटाफट आ जा। हाँ जी